विंध्य में यदि बात की जाए कोरोना के, तो कोरोना कहों ना कहों रीवा का अपन केंद्र बना चुका है। हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और हालात सुधारे में प्रशासन और पुलिस महकमा जो है अपन जीव जान झोंकी रहा है। तब हालात में सुधार नहीं आ रहा है जो ने खीतिर एक बड़ी खबर लेके आए हैं रीवा के, किंतु उससे पहले सभी दर्शकन के बहुत बहुत स्वागत है और सभी का प्रणाम है। यह विंध्य के पहल बघेली न्यूज चैनल में तो शुरुआत करी थी ये खबर के कि रीवा अब पूरे विंध्य के कोरोना के केंद्र बन चुका है। हालात यह है कि आज फिर सात नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सामने आए हैं, जो ने मां यह बात बता दी कि अब रीवा मां कुल कोरोना संक्रमित संख्या 338 हो चुकी है, एक्टिव केसन की संख्या 187 हो चुकी है और 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। यदि बात की जाए रीवा सहित सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिगरौली, तो यहाँ हालात अभी बेकाबू नहीं आई, किंतु रीवा मां हालात बेकाबू है। काहे कि लोग जागरूक नहीं आई, प्रशासन अभी तक गंभीर नहीं रहा, पुलिस अभी तक गंभीर नहीं रही, अभी तक चैन के नींद सोबर रहे, अब रातन के नींद उड़ चुकी है और दिन के चैन हराम हो चुका है, जौने के चलते अब सड़कन में मजबूर है उतरे का कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक। अभी तक जे चैन के नींद अपना अपने एसी के कमरा में सोबत रहे या जागत रहे, वो कहो न कहो अब मजबूर है सड़कन में उतरे खातिर, काहे कि आगामी दिनन में हालात और बेहद खराब हो सका थे। यदि भारत के बात की जाए तो कुल कोरोना संक्रमित संख्या है 17,01,489, एक्टिव केसन की संख्या है 5,67,583 और कुल मृत्यु के जो आंकड़ा है 36,587, जो एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। और शोधकर्तन के मानी या वैज्ञानिकन के मानी तो सितंबर माह यह आंकड़ा बेहद बढ़ सकत है। उनके द्वारा तो यहां तक कहा गया है कि अभी भारत में 55,000 केस कोरोना के प्रतिदिन आ रहे हैं, आगामी दिनों में यह आंकड़ा बेहद बड़ा हो सकत है और सितंबर में पीक आवे के संभावना जताई जा लागी। ओठे यदि यह तस्वीर रीवा में दिखा लागी तो विंध्य के यदि बात की जाए तो बेहद बड़ा आंकड़ा है। हर यदि जिला के बात की जाए सीमावर्ती रीवा के सीमावर्ती जिलन के तो अंडर 100 के सब जिलन में ही, किंतु रीवा जो है बेहद तेजी से रफ्तार बढ़ रही है। 24 जुलाई का रीवा में 20 केस आवत है, 25 जुलाई का 22 केस आवत है, 26 जुलाई का 16 केस आवत है, 27 का 31, 28 का 35, 29 का 25 और 30 का 35, 31 जुलाई का 6 केस और आज रीवा में 7 केस। मतलब जो आंकड़ा है बढ़े के वो बेहद तेज है। आज और कल में 31 जुलाई और 1 अगस्त में थोका रफ्तार जरूर कम है ही, किंतु यह नहीं कहा जा सके कि यह रफ्तार यही थे स्थिर हो जाएगी। काहे कि जो कोरोना है यह पूरे विंध्य में अब शहर के बाद गांव के ओर रुक कही चुका है। हालात यह है कि पीएम मोदी के द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई रही, याद हुई अपना का कि उनके द्वारा यह बात के जिक्र की गई रही कि यदि गांव तक यह संक्रमण पहुंचेगा तब एका कंट्रोल करब बेहद मुश्किल हो जी। हालात यह है कि लोग यहां अब डराए लागे हैं कि अब का अस्पताल में जाब तो सुरक्षित रहा या संक्रमित ना हो या हो। कहे कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कई अच्छे डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। हालात यहां तक है कि यदि मरीज वहां इलाज करावे जात है तो ओकर कुछ दिन बाद यदि वो भर्ती हो के बाहर निकलत है तो यह कहा जात है कि रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ जात है, जो बेहद चिंतनीय विषय है। हाल ही में अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्रालय के द्वारा एक बात कही गई कि जो लॉकडाउन है लॉकडाउन बेहद कारगर साबित हुआ है, किंतु यह आखिरी विकल्प आए एकर जो है अंतिम फैसला जो है लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन तो अभी फिलहाल जो है भोपाल है, बड़े बड़े शहर जहां संक्रमण बेहद तेजी से रहा वहां लॉकडाउन लगाए दिए गए हैं। रीवा में 5 अगस्त तक लॉकडाउन है,
सतना में लॉकडाउन है, फुल लॉकडाउन है, सिगरौली में लॉकडाउन है, वहीं टेक शहर सीधी है तो सीधी अबे ये लॉकडाउन नहीं लगा बगा है, साप्ताहिक लॉकडाउन के पालन की जा लागे। किंतु रीवा का सुरक्षित है आगामी दिनों में, सोचे के अपनों को पड़ी। काहे कि रीवा के आंकड़ा 300 के पार हो गया है। अकेला रीवा जो है पूरे विंध्य के या कहा जाए कि कोरोना की हब बन चुका है। यदि शहडोल संभाग की बात की जाए तो वहूँ इतने केस नहीं आई, और रीवा संभाग के अन्य जिलन के बात की जाए तो वहूँ इतने केस नहीं आई कि अकेले रीवा जो है काहे कि एक बेहद बड़ा क्षेत्रफल है और जांच में बेहद तेजी आ चुकी है, जोने के चलते यह है कि केस तो ज़्यादा आ रहे हैं किंतु प्रशासन का यह बात कले के गंभीर नहीं रहा। बात यह सामने है अभी तक का प्रशासन सोबर रहा। प्रशासन जब जान रहा है मार्च से यह पूरा सिलसिला जारी है कि बार बार यह कहा जाता है कोरोना संक्रमण का फैले से रोके है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं करावे का है, मतलब ओकर रोके के प्रयास करे है। पहल केस अपना का ध्यान हुई कि डॉक्टर सिंघल के केस आवा रहा, डॉक्टर सिंघल के बाद फिर रीवा के हालात यह हो चुकी है कि आज कुल कोरोना संक्रमित 338 हो चुके हैं, जो बेहद बड़ा आंकड़ा है। डरबाई नहीं लगा है, सतर्क करी लागे कहे कि हालात यह हो चुके हैं कि कुछ लोगों के कहाब है, वैज्ञानिकन के कहाब है, शोधकर्तन के कहाब है कि अब कोरोना से जो बच गई वो बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। काहे कि आम आदमी जो है लापरवाह होते हैं, बेपरवाह होते हैं। हम पचे बाजार गई थे, हाट गई थे, तो कुछ न कुछ लापरवाही जरूर कह दिए थे, नियमन के अनदेखी करी थे, जो उनके चलते या संभावना ज़्यादा हो जाती कि हम अपना संक्रमित हो सकी थे। काहे कि लॉकडाउन जरूर लगावा जाते हैं, वह एक पालन करे के एक नायाब तरीका है, किंतु जब लॉकडाउन खोल दिन जाते हैं तो आम जनता सहित प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब लापरवाह हो, बेपरवाह हो जाते। उनका फर्क नहीं पड़े कि बाजार में कितनी भीड़ ही के नियम के पालन कह रहा है कि नहीं कह रहा है। और लॉकडाउन लगाए के बाद का होते कि पुलिस और प्रशासन दोनों का एक सहजता समझ में आ जाती, लोग घरन से निकलब बंद कह देते, पुलिस शक्ति में उतरी आवत थी, और जोने के चलते का होते कि यह कम्युनिटी तक कोरोना नहीं पहुँच पावे। किंतु बाजार खुले के बाद जो हालात होते वो बेहद चिंतनीय हैं। सोचब अपनों, हम तो सोचते लागन कोरोना कैंपी संदेश न्यूज़ 24 लगातार कवरेज कह रहा है, पूरे विंध्य का कह रहा है। कोशिश है कि मध्य प्रदेश की वह खास खबर जो अपना खातिर जाना जरूरी है वह लेके आई, और किंतु यह कोरोना काल बेहद एक कहा जाए कि ऐसा वक्त, बुरा वक्त आवा है जो लोगन का आर्थिक रूप से कमज़ोर कह दिस, मानसिक रूप से कमज़ोर कह दिस, शारीरिक रूप से कमज़ोर कह दिस, सामाजिक रूप से कमज़ोर कह दिस, जौने के चलते हालात यह है कि कोरोना मय या संसार हो चुका है, पूरे विश्व में या वैश्विक महामारी आए, और हालात यह कह दिस कि हमार अपना के दुर्गत कह चुकी है। अब ज़रूरत यह है कि यह दुर्गति यहीं तक एकर स्टॉप हो जाए या रुक जाए, एक एक ही हमका अपना का प्रयास करे पड़ी कि नियमन कानूनन के अक्षर सह पालन करब हमार मजबूरी है। वैक्सीन के बारे में बार बार यह कहा जाता है कि जनवरी या फरवरी तक वैक्सीन WHO के द्वारा बतावेगा कि आ सकत है, किंतु यदि अनुभव करी तो का सबसे पहले हमका अपना का न मिल पाई, पहले वो मरीजन का मिली जे इससे प्रभावित है, फिर उसके बाद अन्य लोगों तक पहुँची, ऐसे तब तक खातिर बिल्कुल पैक हो जाई, पेटी पैक जे का कहा थे। पेटी पैक के मतलब यह कि नियम कानूनन से बिल्कुल बंध गई, तब जाए कि यह वैश्विक महामारी से अपना बच सके थे, हम बच सके थे, हमारा परिवार बच सका था। कहे कि एक व्यक्ति यदि छोट कला लापरवाही करी तो उससे संबंधित बहुत लोग संक्रमित हो सके थे, ऐसे अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। 3 मंत्र हैं, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी, हाथ सैनिटाइजर साबुन से धोवत रही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।